अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एशियन मेल 24 में आपका खैर मकदम। मैं हूं नुसरत मुश्ताक। डालते नज़र आज की हेडलाइंस पर। राजभवन जम्मू में मुसल्ला अफवाज योम परचम मनाया गया। वादी में मतला साफ रहने से सर्दी में फिर इजाफा। हालात को बेहतर बनाने के लिए कांग्रेस का साथ देना लाजमी, गुलाम अहमद मीर। और दिलचस्प में देखिए, कंटेनरों से फुटबॉल स्टेडियम बना लिया गया। आगाज इस खबर से करते हैं। राजभवन जम्मू में मुसल्ला अफवाज योम परचम मनाया गया। इस मौके पर जम्मू व कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मुसल्ला अफवाज के बहादुर अहलकारों को जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया और दिफा अफवाज और उनके खानदानों की बहादुरी और बेलोस खिदमत को सलाम पेश किया। उन्होंने कहा कि मुसल्ला अफवाज का नाकाबिल तस्गीर जज्बा पूरी कौम को हर दिन अजमत के हसूल की तरफ साबित कदम रहने की तरगीब देता है। मुसल्ला अफवाज के योम परचम के दिन के मौके पर डायरेक्टर सैनिक वेलफेयर डिपार्टमेंट ब्रिगेडियर रिटायर्ड गुरमीत सिंह शान ने लेफ्टिनेंट गवर्नर की जैकेट पर मुसल्ला अफवाज का झंडा लगाया। जनूबी ज़िला कुलगाम के बेगाम गांव के लोगों ने कश्मीर में सदियों से चली आ रही रिवायत आपसी भाईचारे, हमदर्दी और उख़वत की शानदार मशल को उस वक्त मज़ीद फरोजान किया जब वो न सिर्फ एक उम्र रसीदा राजपूत हिंदू खातून की मौत पर रात भर गमज़दगान की डहारस बंधाते रहे बल्कि उनकी आखिरी रसूमात सर अंजाम देने में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कुलगाम के बेगम गांव में रिहाइश पजीर एक उम्र रसीदा राजपूत हिंदू खातून लाजवंती देवी की पीर की शाम करीब 7 बजे मौत हुई थी। की इंसानियत पत मजहब ये भी हमेशा ये थे और असोस हमेशा भाईचारा ये साथ ये वायरेशन गई नामथस मन अमिस आई वारिया पंडित बहुत हिंद बहुत दफेत से नियर ये वोस वापस दर्जवाब इन लाजवंती जी दुपनेख मुसलमान में रचमित बाचमेन बुच्छस चला। हमारे भाई बैठे थे, रात भर गुजारी उन्होंने, जो भी जरूरत पड़ी लकड़ी बाकी चीज यहाँ पहुंच गए शमशान घाट पर। हम मुझे हमें पता नहीं था कोई कमेटी, वो कमेटी वाली जैसे उनकी कमेटी होती वैसे हमने उनसे साथ के मिलजुल के भाईचारे की कमेटी बनाई है। वो भी हमारे साथ कमेटी बनाते हैं, मिलजुल के रहते हैं, अपने गाँव के हम रहते हैं सदियों से। हमारे कंधे पर कोई बोझ रहता, ये बोझ सारा उनके पर ही है। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर गुलाम अहमद मीर ने श्रीनगर पार्टी हेडक्वार्टर से पार्टी मेंबरशिप मुहिम का आगाज किया। इस मौके पर उनका कहना था कि जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात को बेहतर बनाने के लिए कांग्रेस का साथ देना लाजमी है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि बीजेपी फूट डालो और हुकूमत करो की पॉलिसी पर गामजन है और कांग्रेस वो पार्टी है जिसने कभी भी सेक्युलरिज्म के अपने मौकिफ से मुँह नहीं मोड़ा। पार्टी की मेंबरशिप लॉन्च कर रहे हैं और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हर 4 साल के बाद में होना था, मगर कोविड की वजह से पूरे हिंदुस्तान में ये कुछ महीने डिले हुआ। ज़रूर 1 नवंबर से पूरे देश में ये शुरू हुआ, हमारी कॉपीज़ प्रिंट होते होते कुछ दिन डिले हुआ, तो अल्टीमेटली आज के दिन हम ये कश्मीर प्रोविंस में भी लॉन्च कर रहे हैं। अब नज़र डालते हैं मौसम पर। वादी कश्मीर में मतला साफ रहने से दर्जे हरारत एक बार फिर नुक्ता अंजुमात से नीचे दर्ज होने से सर्दी की शिद्दत में इजाफा महसूस किया गया। सियाहती मकाम गुलमर्ग सर्द तरीन जगह रही जहां मुसलसल दूसरी शब भी कम से कम दर्जे हरारत -7.0°C रिकॉर्ड किया गया। दारुल हुकूमत श्रीनगर में कम से कम दर्जे हरारत -1.4°C रिकॉर्ड, जबकि सियाहती मकाम पहलगाम में कम से कम दर्ज हरारत -4.8°C रिकॉर्ड किया गया। इधर महकमे मौसमियात के सरबरा सोनम लोटस का कहना है कि वादी में अगले 10 दिनों के दौरान मौसम मजमी तौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। इस दौरान वादी में आज भी मौसम सुबह से ही खुश्क रहा और हल्की धूप भी छाई रही जिससे लोगों को लुत्फ अंदोज होते हुए देखा गया। अब नजर डालते हैं दिलचस्प और अजीब सेगमेंट पर। स्पेन की एक तामीराती कंपनी ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए दोहा कतर में तकरीबन 1000 कंटेनर इस्तेमाल करते हुए फुटबॉल स्टेडियम तामीर कर लिया है।
आज से 4 साल पहले जब इसकी तामीर शुरू हुई थी तो इसे रास अबूद स्टेडियम का नाम दिया गया था, लेकिन हाल ही में तकमील के बाद इसका नया नाम 974 स्टेडियम रखा गया, जो दोहा शहर के इस इलाके का पोस्टल कोड है, जबकि इसमें 974 कंटेनर्स ही इस्तेमाल हुए हैं। इस फुटबॉल स्टेडियम में 40,000 तमाशाओं की गुंजाइश है। वर्ल्ड कप ख़त्म हो जाने के बाद इसे दोबारा से टुकड़ों में अलग अलग करके ख़त्म भी किया जा सकेगा। कतर की हुकूमत आजकल इस मुनफरिद स्टेडियम की खूब तशहीर कर रही है। इस दिलचस्प सेगमेंट के साथ ही एशियन मेल 24 का वक्त इख्तिताम पज़ीर पहुंचता है। दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।